हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, जीएस में इस समय हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका जो कि भाग 5 यानी कार्यपालिका है, इन सभी को हम बहुत विधिवत शुरुआत करेंगे। आज से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि भारतीय कार्यपालिका के अंतर्गत संविधान में हमारे जो विभाजन है उनमें कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं और संघ की जो कार्यपालिका है उस संघ की कार्यपालिका में किसका कैसे योगदान है, किसके लिए क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, ठीक कौन सा अनुच्छेद किसके लिए क्या बातें करता है, इन सभी पर बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। और एक चीज बहुत जरूरी है, आपने जिस भी किताब से जो भी कुछ चीजें पढ़ी हैं यहां पर जो फैक्ट्स होंगे वो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलेंगे, इसीलिए बहुत ढंग से पढ़िएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट एक आपका ऐसा पॉइंट है जिसमें हर चाहे जो आपका है, चाहे आपका अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, या आपका कोई भी एग्जाम है, रेलवे का एक जो है परीक्षा है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई भी आपका यूपीएसआई हो गया, जेल वार्डन हो गया, ये सब है, सभी में समान रूप से प्रेसिडेंट पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, अभी भी जो लोग लेखपाल का जैसे इस समय हम लोग फोकस होकर सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, जो 10+ कोर्सेज हैं, ये हमेशा 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 चलने वाली सीरीज है पूरी। ठीक है, तो अभी जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं, पिछली जो क्लासेज हैं सभी उन्हें मिल जाएंगी, सभी नोट्स मिल जाएंगी। आप 10+ कोर्स के अंतर्गत हमसे जुड़िए, सारे नोट्स हम आपको बहुत अच्छे से सारी क्लासेज उपलब्ध करवा देंगे, सारे क्वेजेज आपके एसेस हो जाएंगे, जिससे कि आप आगामी जो भर्तियां हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करो। क्योंकि सफलता हमेशा पहले की ही तैयारी से मिलती है, तत्काल कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो आपको 15 दिन के भीतर पढ़ाए और 16वें दिन आपका जो है जो परीक्षा हो उस परीक्षा में आपका टॉपरों में नाम शुमार करवा दे या सिलेक्शन करवा दे। टॉपर तो बात छोड़िए, सिलेक्शन करवा दे। इसी वजह से भैया पहले तैयारी करो, तैयारी के बाद जब आप में वो धार आ जाए कि कोई भी परीक्षा है कहीं भी रख दो कट जाएगी, अब ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, तब वो चीजें उम्मीद लाओ कि अब हमें वैकेंसी देखना है। पहले तो आप तैयारी में तो आओ। आज का युवा इसी में भ्रम स्थिति में पड़ा है, अरे सर नौकरी नहीं। अरे भैया नौकरी तो आएगी ही आएगी, लेकिन सबसे पहले अपनी तैयारी तो मजबूत करो, नहीं तो आप भी 1 साल पढ़ेंगे, 6 महीने पढ़ेंगे, जोश होगा उसके बाद आपके मुखारबिंदु से भी वही शब्द जो है सीधे निकलना प्रारंभ होंगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने बेस पर काम नहीं करते। यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, टीम के द्वारा निःशुल्क प्रोग्राम आपको जितना कुछ हम उपलब्ध करवा रहे हैं इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग फायदा लीजिए भैया। ठीक है, और जो भी आपके हित मित्र हैं सभी को जोड़िए, टीम के जो वीडियोज हैं सभी निःशुल्क हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान आप लोग दीजिए। अपना पीडीएफ और क्विजेज एसेस के लिए 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोग सारे ले लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम भी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चला पाएं। क्योंकि वीडियोज हम निःशुल्क देते हैं, हमारी मेहनत है, चलो ठीक है, लेकिन अन्य जो टीम के सदस्य हमारे उनकी मेहनत है, इस वजह से आपको कुछ नाम मात्र का सहयोग शुल्क टीम को देना होगा। ठीक, चलिए, तो कोई भी समस्या होती है आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए parikshaplus.org। 3 नंबर आपके सामने दिखते हैं, किसी भी नंबर पर कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं। बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी इस जो है सीरीज का हिस्सा बनाइए, जो भी आपके हित मित्र हैं, जो भी लाइव क्लासेज होती है उनको अटेंड करने के लिए बोलिए और अपनी भी तैयारी एक सही दिशा में करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, संघ की कार्यपालिका भाग, आप जानते हो भाग 5 है। इससे पहले मैंने आपको बहुत विधिवत सारी चीजें समझा दी हैं। तो संघ की कार्यपालिका है क्या, कार्यपालिका पढ़ने के बाद हम विधायिका पढ़ेंगे, और विधायिका चूंकि जो भारतीय अपना, ठीक है, भारतीय सरकार एक तरीके से मान सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट जो अपनी चलती है, इसके 3 अंग हैं। ठीक है, एक आपकी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, दूसरी आपकी विधायिका है, और तीसरी क्या होती है, न्यायपालिका होती है। 3 अंग मानने जाते हैं अपने यहां सरकार के। तो आज सरकार का पहला अंग हम कार्यपालिका पढ़ना प्रारंभ करते हैं। संविधान के भाग 5 में यह सारा उल्लेख है। ठीक है, भाग 4A और भाग 20 मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, इतने सारे वीडियोज पढ़े हैं, 20 क्लासेस मैंने ले रखी हैं। आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, मतलब किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, आप इन वीडियोस को देखिए, आपको पक्का लाभ मिलेगा। ठीक है, इतना जरूर उम्मीद रखिए। तो भाग 5 में आज बढ़ने जा रहे हैं, कार्यपालिका
कार्यपालिका से पहले आप याद करिए, सबसे पहला मैंने आपको चैप्टर इस पॉलिटी में पहली क्लास पढ़ाई थी राज्य को लेकर। राज्य है क्या? तो राज्य में सबसे पहले आखिर जैसे हम सरकार को आज पढ़ने जा रहे हैं, तो सरकार में सरकार का अस्तित्व क्या होता है? आखिर वैश्विक लेवल पर हम सरकार की स्थापना क्यों चाहते हैं? क्या सभी देशों में सरकार का होना जरूरी हम देखते हैं? तो ये सारे विचार कैसे प्रादुर्भाव हुए आखिर किसी व्यक्ति के दिमाग में, इन सारी चीजों को समझिए। पहले देखो, अगर कोई राज्य है जो वैश्विक स्तर पर राज्य की परिभाषा है, मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताई थी कि अगर कोई स्टेट है, राज्य है, यहां राज्य का अर्थ आपका एक विश्व का कोई देश भी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, कोई भी देश है उसको हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है? कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वह स्टेट है। राज्य, राज्य कोई भी है तो राज्य के लिए कुछ कंपलसरी चीजें होती हैं। पहली चीज तो होती है उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य का। दूसरी बात, राज्य के अनिवार्य तत्वों में है। आपसे पूछे राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है, तो चार तत्व जो है राज्य के अनिवार्य तत्वों में आते हैं। दूसरी बात, अगर राज्य है तो निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी इसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। दूसरी बात यह होती है कि अगर राज्य है तो इसकी जनसंख्या के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारी जो डेमोग्राफी है यह कितनी है। तीसरी बात, अगर कोई राज्य अपने आप को कहता है तो वहां पर एक सरकार का जरूर अस्तित्व पाया जाना चाहिए, ठीक है? अगर सरकार नहीं है, किसी भी फॉर्म में सरकार नहीं है, तो वह राज्य कहलाने के योग्य नहीं होगा। और चौथी बात जो आती है, राज्य का चौथा जो अंग माना जाता है, तत्व माना जाता है, वो ये माना जाता है कि अगर कोई राज्य अपने आप को कहता तो उसका संप्रभु होना बहुत जरूरी है, ठीक है? यानी वो अपने आप में हर एक उसकी नीतियां हैं, अपने व्यक्तिगत फैसले हैं, अपने देश के नागरिकों को लेकर जो फैसले हैं वह पूर्णतया आपके जो है बिना किसी दबाव में लिए जाए, मतलब बिना किसी प्रेशर के अगर वह राज्य कार्य कर रहा, वहां की सरकार कार्य कर रही, तो वह आपका एक राज्य होता है। तो राज्य के अनिवार्य तत्व में होता है सरकार। हमने जनसंख्या, तो यह तो आपका पार्ट हो जाता है किसमें, यह पार्ट आपका बन जाता है जियो का, ज्योग्राफी का। और भूभाग सीमा मैंने आपको भाग एक में बहुत विधिवत पढ़ाई है, ठीक है? भाग एक में पॉलिटी में जो चीजें हुई, बाकी आप भारतीय भूभाग के बारे में जब इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको पढ़ना होगा, ठीक है? आज मैं तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं आपके राज्य के अनिवार्य तत्व में सरकार, कि सरकार क्या है। और इसी में मैंने संप्रभु को लेकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब आपको पढ़ाया था तो संप्रभु के सारे अर्थों को वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से विहित किया था, जैसा कि संविधान में जिस आधार पर दिए गए। और ये जो हमारी वैश्विक स्तर पर मान्यता है उसके अनुसार जो कुछ होता है, इन चीजों पर बात कर लिया हमने। अब हमें आज सरकार के को पढ़ना है। तो भारत में सरकार के तीन अंग माने जाते हैं अपने यहां। अपने यहां सरकार के तीन अंग हैं। पहला जो अंग होता है सरकार का, यह अंग होता है आपका कार्यपालिका, ठीक है? कार्यपालिका यानी जो आपके कानून बनते हैं, इन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी यह सब कुछ कार्यपालिका पर होती है, ठीक है? दूसरा जो सरकार का अंग अपने यहां है, यह अंग होता है विधायिका, जिसको आप लेजिस्लेटिव बोलते हो। विधायिका का अर्थ होता है कि कानूनों का निर्माण करना, जैसे अपने यहां कानूनों के निर्माण को लेकर सर्वोच्च संस्था संसद है। हर एक राज्यों में विधानसभाएं हैं, क्योंकि अपने यहां राज्यों का कानून अलग है, भारतीय संविधान में वो भी वर्णित है। तीसरी जो आपका अंग होता है सरकार का, यह अंग होता है न्यायपालिका, ठीक है? अपने यहां ये तीनों अंग बहुत विधिवत कार्य करते हुए पाए जाते हैं, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। चौथा अंग जो माना जाता है, लिखित कहीं नहीं है, माना जाता है वो उसको चौथे अंग। मान लीजिए सवाल पूछ ले कि सरकार का चौथा अंग किसे कहते हैं, तो चौथे अंग के रूप में मीडिया को बोला जाता है, पत्रकारिता को बोला जाता है, ठीक है? कि मीडिया किसी भी देश का चौथा स्तंभ होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चौथा पिलर इसको बोला जाता है, फोर्थ पिलर आप जो है डेमोक्रेसी जब आपसे पूछे, लोकतंत्र को लेकर पूछ ले, सरकार को लेकर पूछ ले, तो वहां हमेशा रखिएगा कि मीडिया आपकी चौथी स्तंभ होती है, ऐसा सवाल पूछा भी है। तो तीन आपके मेन अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। विधायिका में अपने यहां विधायिका संसद के फॉर्म में है। संसद के अपने दो पटल होते हैं, पहला पटल आपका लोकसभा होता है, ठीक है? और दूसरा जो होता है यह हम राज्यसभा के तौर पर जानते हैं। तो अपने यहां संसद ही कानून या विधि के निर्माण को लेकर सर्वोच्च संस्था है भारतीय संविधान में,
ठीक है। अब राज्यसभा लोकसभा को लेकर बहुत विधिवत पढ़ेंगे। राज्य की चूंकि सरकारें अलग होती हैं, राज्य का संविधान अलग है, राज्य में भी कानून को बनाने के लिए विधायिका अलग है, जो व्यवस्था केंद्र स्तर पर है वही व्यवस्था हमारे यहाँ राज्य के स्तर पर भी है। राज्य में भी गवर्नमेंट के ये तीनों फॉर्म पाए जाते हैं, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। हर एक राज्यों के अपने हाई कोर्ट है, हर एक राज्यों की अपनी विधायिका है, हर एक राज्यों की अपनी कार्यपालिका है। तो जो ये सिस्टम आपका केंद्र की सरकार में दिखता है वही प्रारूप पूरा पूरा राज्यों में भी हमें दिखाई पड़ता है, समझ गए। न्यायपालिका में अपने यहां एक तो सुप्रीम न्यायपालिका है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हर एक राज्यों की अपनी कोर्ट है जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अधीन जो कार्य करते हैं वहां हर एक आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक, जो हर एक जिले लेवल पर आपके कार्य करते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत इन्हीं के अधीन आते हैं। अपने यहां सर्वोच्च संस्था ये ऊपर से नीचे की ओर पूरा चलता है, मतलब सबसे ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में सारे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे अंडर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके कोर्ट होते हैं, दीवानी आपका मामला होता, फौजदारी मामला होता, ये सब जो मामले होते वो सब बैठे होते हैं। ये सारी जितने भी तरीके की कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सब आपके इन्हीं के अंतर्गत आती है। तो दो को आपने समझ लिया न्यायपालिका का प्रारूप, इसको आज हम सबसे पहले कार्यपालिका को शुरू करते हैं। तो कार्यपालिका को भारत के संदर्भ में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया के संदर्भ में कार्यपालिका को देखें, ठीक है, बहुत स्पष्ट ढंग से समझिएगा इसको, कुछ ना कुछ चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। अपने यहां कार्यपालिका के दो रूप मिलते हैं, ठीक है, कार्यपालिका के दो रूप क्या, ठीक है। एक चीज तो मैंने आपको जब विधायिका बताई तो विधायिका जो अपनी होती है संसद, संसद का जो निर्माण होता है, संसद में सदन तो दो होते हैं लेकिन संसद में एक आपका कंपलसरी जुड़ा होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति विधायिका से भी जुड़ा होता है और राष्ट्रपति का कार्य होता है, चलिए, तो कार्यपालिका को हम बहुत विधिवत ढंग से समझते हैं। मैंने क्या बताया कि भारत में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अपने यहां दो आपको रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे विधायिका में हमने सीखा कि विधायिका में जो है संसद का एक अंग माना जाता है आपका राष्ट्रपति। जो भी विधियों का निर्माण संसद करती है, संसद के दोनों सदन करते हैं, उन दोनों पर राष्ट्रपति की साइन जरूरी होती है, सिग्नेचर जरूरी होता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी आपका जो बिल होगा वह एक्ट में परिवर्तित नहीं होता है, कोई भी आपका कानून बनता नहीं है। अपने यहां कार्यपालिका के जो दो रूप मिलते हैं, भारत देश में कार्यपालिका आपको समझनी है तो यह समझिए, अपने यहां कार्यपालिका एक तो होती है अस्थाई परमानेंट कार्यपालिका, दूसरी होती है अपने यहां अस्थाई कार्यपालिका, मतलब जो कुछ दिन रहे उसके बाद गायब हो जाए, ठीक। कार्यपालिका का अर्थ होता है कि आप विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करवाना, लॉ और आपका ऑर्डर मेंटेन रखना, बनाए रखना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जो होते हैं, ठीक, सबसे ऊपर देखें राष्ट्रपति को, क्या मैं कार्यपालिका के अस्थाई आपके अंग के तौर पर रख सकता हूं, बताइए आप लोग। राष्ट्रपति भी 5 साल के बाद आपका चला जाता है, ठीक है, और जितने अस्थाई कार्यपालिका में आपका मेन है कैबिनेट। कैबिनेट क्या करती है, कानूनों के लागू करवाने में हर एक मंत्रालय है आपके, वो क्या करते हैं, ये जितने भी आपके कैबिनेट होती है हर एक मंत्रालय का यहां विभिन्न योगदान होता है कि ये यहां पर आएंगे और क्या करेंगे, कार्यपालिका में अपना एक अहम रोल देंगे। तो मैं प्रेसिडेंट को अस्थाई के तौर पर रख रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता भारत में, इसीलिए मैंने इसको अस्थाई रख दिया कार्यपालिका में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह कंपलसरी है, बिना कोई भी विधि आपकी बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कानून नहीं बनती है, ठीक है। तो इसको मैंने अस्थाई के तौर पर रख दिया कि 5 साल अगर कोई प्रेसिडेंट है तो इसकी सीट खाली नहीं होगी क्योंकि 5 साल से पहले इसका कार्यकाल आपका पूरा हो जाना है। अस्थाई में जो राजनीतिक आपके जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, राजनीतिक जैसे मंत्री वगैरह हो गए, ये सभी आपके अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, समझ गए, क्योंकि 5 साल बाद इनका जरूरी नहीं है कि यही वापस लौटे। तो जो अस्थाई कार्यपालिका में ऐसे लोग आते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े होते हैं, हालांकि पॉलिटिकल सिस्टम से प्रेसिडेंट भी जुड़ा है, 5 वर्ष के बाद जो है इसका आना तय नहीं है कि वही व्यक्ति आएगा, लेकिन यह 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है, जबकि प्रेसिडेंट के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, यह कंपलसरी है इसका बना रहना। इसलिए जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या इसके अंतर्गत जितने आपके आईएएस हैं, ठीक है, आईपीएस हैं,
ये सब के सब अस्थाई कार्यपालिका के आपके अंग होते हैं, क्योंकि इनको 5 साल नहीं, पूरे आपके लाइफ टाइम बना रहना होता है जब तक इनकी नौकरी है। और योगदान क्या है भैया? कार्यपालिका ही तो, जो विधायिका ने कानून बनाए उन्हें कानूनों को तो फॉलो कराना, ये कार्यपालिका के आपके कारणों में होते हैं। इसीलिए मैंने इसको अस्थाई कार्यपालिका कहा, इसको मैंने अस्थाई कार्यपालिका कहा, जो राजनीतिक स्तर पर पूरी तरीके से होती है वह अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। समझ गए होंगे कार्यपालिका के प्रारूप। अब अपने यहां कार्यपालिका में के प्रारूपों में जो मुख्य मुख्य अधिकारी हैं उनमें आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के बाद आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर में साथ ही साथ इसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा, ठीक, और बहुत सारी चीजें आती हैं, हर एक राज्य के मिनिस्टर होते हैं, उपमंत्री होते हैं, उन सभी को हमें बहुत विधिवत ढंग से पढ़ना है कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से हैं। सबसे पहला योगदान कार्यपालिका में आपका होता है प्रेसिडेंट का, सबसे देश का प्रथम नागरिक होता है। आज हम प्रेसिडेंट को ही शुरू करते हैं सबसे पहले पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना, क्योंकि प्रेसिडेंट भारत का पहला नागरिक होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बहुत सारे प्राधिकार मिले हैं। हालांकि भारतीय और जो है अन्य देशों की तुलना में जहां अध्यक्षीय सरकार है, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति आपका वास्तविक प्रमुख है और भारत में आपका राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख है, यानी यहां पर सब कुछ राष्ट्रपति के जो आपके कार्यपालकीय अधिकार होते हैं वह प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को यहां सिर्फ एक रबर का स्टाम्प कह सकते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके, प्रधानमंत्री वाली जो आपकी सरकार होती है इसके हाथ में है। अन्य जगह पर जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे अमेरिका, वहां सारी शक्तियां प्रेसिडेंट के हाथ में खुद होती हैं। तो हम दो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि जो है मैं हर एक पॉइंट जो आपको बताऊंगा उस हर एक पॉइंट में आपको अमेरिका के साथ कंपेरिजन जरूर हम बताएंगे, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेटिक आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक है, ठीक, लोकतांत्रिक में अपने यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ना होते हुए अपने यहां प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्म है जिसको हम बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली बोलते हैं, ठीक, बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली हमने लंदन से ही इन चीजों को लिया है, संसदीय प्रणाली है वही चीज। संसदीय प्रणाली को लेकर भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अपने यहां ब्रिटेन की सारी चीजें नहीं है, ठीक, क्योंकि विधियों का समान संरक्षण, ठीक, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाया है। जो लोग कंटिन्यू नहीं वॉच कर रहे उनसे भाई एक चीज मेरी जरूर आपको सजेशन होगा कि मेरे वीडियोज अगर आप क्रम में देखते हैं तो उसका लाभ ज्यादा पाएंगे, ठीक है। बाकी ये मैं जरूर कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहां से बनने होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं समेट देता हूं आपका, उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो अपने यहां जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षीय सरकार है, ठीक, तो इन दोनों में हम हर एक पॉइंट में कंपेरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपके हर एक मुद्दे बहुत स्पष्ट रूप से चलते रहे। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, बहुत विधिवत समझिएगा, एक एक पॉइंट जो है मैं परिचर्चा करते हुए चलूंगा, बहुत अच्छे से विधिवत डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। जहां पर आपके दिमाग में कोई चीज उठेगी उससे पहले मेरा प्रयास होगा कि उन चीजों को मैं आपको बहुत विधिवत समझा दूं। इनसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, इनसे भैया कोई भी एग्जाम भागे नहीं बचा है जहां से सवाल ना पूछा हो, ठीक है, बहुत ढंग से पढ़ना। ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि अपने यहां अगर कार्यपालिका की बात करें, एक चीज जानना कि केंद्र की जो आपकी कार्यपालिका है इसको हम संघीय कार्यपालिका बोलते हैं, यूनियन जो है एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसमें कौन कौन आपका प्रेसिडेंट होता, वाइस प्रेसिडेंट होता, प्रधानमंत्री होता तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद होता है, इनको मिलाकर अपने एग्जीक्यूटिव आपकी बनती है, ठीक है। कौन कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो आपकी जो है मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है, इन सभी को मिलाकर एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है अपने यहां सरकार में। अब आप सबसे पहले हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति है क्या। तो भारत का राष्ट्रपति, चूंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का को लेकर बहुत सारी बातों का उल्लेख है, इसीलिए इस पद की गरिमा है, इस पद के बहुत सारे दायित्व हैं। समझिए, भारत का संविधान अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। पूछता है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल आपका 52 बोलता है। दूसरी बात,
अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। किस आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालकीय शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। पूरी की पूरी पूछता है कि संघ की कार्यपालकीय शक्ति किसमें निहित है, वहां ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री, उप प्रधान जो है कैबिनेट, फिर एक ऑप्शन दे देगा प्रेसिडेंट, और चौथा ऑप्शन दे देगा वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखना यह सही जवाब आपका प्रेसिडेंट होगा, ठीक। आर्टिकल 53 के अनुसार जिसका उपयोग वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। जो कार्यपालकीय शक्ति राष्ट्रपति में है सारी चीजें उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। यही लाइन कंफ्यूज करती है और आप ऑप्शन देखकर गलत कर देते हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद उसका प्रयोग करती है, लेकिन कह क्या रहा, गठित निहित पूरी तरीके से प्रेसिडेंट में है, समझे। ये क्वेश्चन जहां मिल जाता है वहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली चीज समझिए, कार्यपालिका द्वारा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी समझौता आप देखते हो, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर किया, किसी देश के प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उनसे समझौता हुआ, तो वहां पर प्रधानमंत्री भले ही, लेकिन हर एक चीजों में नाम किसका होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। अगली चीज, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, चीफ होता है अपने यहां का, और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम बात कर रहे थे कि हम एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, तो गणतंत्र में क्या अर्थ होता है? गणतंत्र वह राष्ट्र है, ठीक, जो क्या होता है, जो इस राष्ट्र का सबसे बड़ा जो पद है, उस राज्य का जो सबसे बड़ा पद है, वह पद वंशानुगत ना होकर के अगर इलेक्शन के माध्यम से होता है तो वह राष्ट्र गणतांत्रिक होता, और भारत देश में यह व्यवस्था है। अपने यहां देश का सर्वोच्च पद जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव वंशानुगत ना होकर के एक इलेक्शन के माध्यम से होता है। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी होता है भारत का, ठीक है, या भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति अगर बनना है तो क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या क्या चाहिए, इस चीज को समझ लीजिए बहुत व्यापक ढंग से, ठीक है। इस चीज को समझिए किसमें है, सबसे पहले तो यह जानो आर्टिकल 58 बोलता है, अनुच्छेद 58 अर्हता को लेकर के सारे यहां पर मानक तय करता है कि प्रेसिडेंट आपको बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था जब भाग दो आपको नागरिकता पढ़ा रहा था, तो नागरिकता में मैंने एक बात का जिक्र किया था कि कुछ जैसे फंडामेंटल राइट मैंने उसके बाद पढ़ाया था, तो नागरिकता को लेकर मैंने बताया था आपको कि नागरिकों को अपने कौन से अधिकार दिए जाते, गैर नागरिकों को कौन से दिए जाते हैं, ठीक है, ठीके? जो भाग दो से और भाग तीन का रिलेशन था उस चीज को हमने समझा था। यहां पर जैसे आर्टिकल 58 में भी भाग दो का रिलेशन है, भाग दो का रिलेशन ये है भैया कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, मैंने वहां पर समझाया था नागरिकता में आपको कि अगर भारत के जो प्रमुख प्रमुख पद हैं उनमें आपको क्या होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की कि हम सभी को क्या मानते हैं, समान मानते हैं कानून की नजर में, लेकिन अगर आपको भारत के प्रमुख पदों पर नियुक्त तो होना है तो भारत का नागरिक होना कंपलसरी बनता है। यहां पर क्या चीजें हैं, सबसे पहला पद यही आती है, पहली योग्यता कि आप भारत के नागरिक हो, गैर नागरिक कोई भी अपने यहां प्रेसिडेंट का पद नहीं पा सकता, याद रखना, ठीक है। कोई भी विदेशी अपने यहां किसी जो है प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह भारतीय संविधान कहता है। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह ध्यान रखना। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब इसके लिए अर्हता रखता हो। चौथी बात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसको ढंग से समझना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951, इसके अनुसार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए कुछ और भी अर्हताएं हैं, क्या क्या है, अब इसमें कई चीजें आप जान जाओगे। जैसे ये चीज आप नहीं पढ़ते हो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है, अब यह भी कुछ अर्हता देता है किसके लिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में आपको निर्वाचित होना है तो आपको कुछ बातों का होना आपके पास बहुत जरूरी है। उनमें कौन कौन सी चीज है, सबसे पहली चीज यह बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी को भारत सरकार या किसी राज्य या अन्य प्राधिकारी के अधीन जो इनमें से किसी सरकार के नियंत्रण में हो कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर आपको होना नहीं चाहिए, ये कंपलसरी है। ये लोक प्रतिनिधित्व की धार जो आपका अधिनियम रहा 1951 उसके अंतर्गत बनाया गया पहला मानक है। दूसरा मानक क्या है, शर्त क्या है? संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल, बहुत ढंग से समझना, या संघ या किसी राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। पूछता है कि निम्न में से कौन लाभ का पद नहीं माना जाता है, तो भारतीय संविधान स्वयं से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या संघ या किसी राज्य में मंत्री के तौर पर है, तो उसका पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का प्रस्ताव तथा अनुमोदन कम से कम 50-50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। मतलब कि अगर प्रस्ताव राष्ट्रपति पद के लिए आप अपने नाम का भिजवा रहे हो तो उसमें 50 प्रस्तावक जरूरी हैं। कितने? 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अगर अनुमोदन के लिए वो है, दोनों पूछा है कितने प्रस्तावक चाहिए कितने अनुमोदन, तो 50 जो है व्यक्तियों का अनुमोदित करना भी जरूरी है, कंपलसरी है, समझ गए? 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए हमें। दूसरी बात, 1998 से पूर्व यह संख्या 10-10 की थी, लेकिन बाद में 1998 के बाद यह संख्या 50-50 कर दी गई। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए है, ठीक है? 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर हमें भरना होता है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है? जो जमानत राशि आप जमा करते हैं, वह जमानत राशि अगर आप 1/6 भाग भी नहीं पाए जितने वोट हैं, वैलिड वोट हैं उनका, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यह सवाल पूछा है, ठीक है? जितने शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां समझ जाना कि ये शब्द आपके सीधे सीधे किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगली बात समझिए, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, पदावधि समाप्त होने पर वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, यह सवाल पूछा है, ठीक है? वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है जैसे एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया तो दोबारा बन सकता है कि नहीं, बन सकता है भारत में बिल्कुल। दूसरी बात, निर्वाचन के लिए अगर रीइलेक्शन हमारा होना है, इलेक्शन होना है, निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण बनाए रखने की शपथ लेता, तीनों वर्ड याद रखना, परिरक्षण की शपथ लेता है, संरक्षण की शपथ लेता है और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, तीन तरीके की शपथ राष्ट्रपति लेता है संविधान को लेकर के, समझ गए? अगली बात समझिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन जैसे हम गए, हम भारत के नागरिक हैं और हमने चुन लिया, जैसे हम प्रधान जी को अपने वोट देते, जैसे हम अपना विधायक साहब को वोट देते, जैसे हम सांसद साहब को चुनते कि हम गए और जो है अपना जो आपकी मशीन होती है उस मशीन को हमने पुश किया, बटन पुश किया और उनको वोट दिया है। क्या प्रेसिडेंट को हम आप ऐसे चुनते, देश का पहला नागरिक है, ठीक है, इतना बड़ा पद है, क्या उसको हम चुनते हैं? ऐसा तो नहीं होता, हम इनडायरेक्ट रूप से चुनते हैं, हम वहां नहीं है फिर भी हम उसका चुनाव कर लें, या अप्रत्यक्ष तरीका है। कैसे समझिए, भारत में जैसे मान लीजिए कोई मामला हो जाता है आपका, ठीक है, आपको किसी जो है बड़ा जरूरी काम था आप वो कर नहीं पाए, तो आप किसी को बोलते हैं कि अच्छा उससे कह देना यार कि ये काम उसका नहीं हो पाया है, ठीक, मैं उससे मिल नहीं पाया। अब आप किसी तीसरे से कहलवा रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को जो आपकी बात पहुंची वो क्या माना जाएगा, कि आप भले ही उससे प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हो लेकिन आपने कहलवाया, तो आप सीधा सीधा उसका मतलब यही हो गया सुनने वाले का कि हाँ भैया आप उसमें शामिल हो, तो ये अप्रत्यक्ष तरीका है। वही चीज अपने यहां यहां पर भी यूज है। कैसे? ये इस तरीके से है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, 54 के अनुसार कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 54 क्या कहता, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल, इलेक्ट्रॉल कमीशन, निर्वाचक मंडल, इलेक्ट्रॉल कॉलेज या इलेक्ट्रॉल कमीशन कुछ भी बोलना चाहे, इलेक्ट्रॉल कॉलेज भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद तथा राज्य विधान, ठीक, लोकसभा राज्यसभा और जो है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन से निर्वाचित? इलेक्टेड मेंबर, मनोनीत नहीं, ध्यान रखना,
इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों में फर्क है। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर में फर्क होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे, ठीक, और वो भी जो इलेक्टेड है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यह सवाल पूछता है, ठीक है। कहां, किस देश के संविधान से? आयरलैंड के देश के संविधान से। क्या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रेरित है या लिया गया है? समझ गए? अगली चीज समझो, जो हमारा इलेक्ट्रॉल आपका कॉलेज होता है राष्ट्रपति का लिए, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें संसद के मनोनीत या नाम निर्दिष्ट, जिसको आप नॉमिनेटेड बोलते हो, सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत या नाम निर्दिष्ट सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य या सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों शामिल नहीं किए जाते। याद रखना कौन कौन इनमें से राष्ट्रपति के इलेक्ट्रॉल कॉलेज में, इलेक्ट्रॉल कमीशन में नहीं आता। तो उसमें कोई भी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा के नॉमिनेटेड आपके पर्सन इसमें नहीं होंगे, ठीक। साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के मनोनीत या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति इसमें नहीं होंगे। और तीसरी बात, राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। विधानसभा के होंगे, विधान परिषद के नहीं होंगे। समझ गए चीजों को, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, पूछता है, गलत मत करना। इसके बाद 1 जून 1992, ध्यान रखिए, उस दिन 17वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। किस, कौन कौन सा? 17वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके साथ ही साथ पांडिचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। अन्य कोई भी आपका केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, याद रखना, गलत मत करना। अगली चीज पढ़िए, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, किस मैनर से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन को करते हैं, इलेक्शन होता है, समझिए। यहां पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जिसको बोलते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार, ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। किस एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल रेफरेंडम जो है वोट सिस्टम के द्वारा होता है। इस पद्धति में जो व्यक्ति संख्या के अनुसार बहुमत प्राप्त कर लेता है, संख्या के अनुसार या संख्या में सबसे अधिक मत प्राप्त कर लेता, उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के पद के लिए मान लो 4 प्रत्याशी है, कैसे चुनते हैं समझिए। मान लीजिए कभी आप MP बन गए, मौका मिल गया, या विधायक जी बन गए, तब मौका मिल गया, तो कैसे चुनते हैं? देखिए, जैसे आपका मान लीजिए 4 अगर प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशियों में से पहले को मिला 38%, ठीक है, दूसरे को वोट मिल गया 26%, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को 26, तीसरे व्यक्ति को 22%, चौथे को मिल गया 14%, जितने वैलिड वोट हैं सभी को, ठीक। तो अगर मान लीजिए पहले को मिला था कितना, 44% मान लेते हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति को, ये 4 आपके हैं, 4 व्यक्तियों को अलग अलग मिले, तो इसमें क्या होगा, ठीक। चलो यहां मैंने प्रत्याशी ये लिख दिया, प्रत्याशी 1 मान सकते हो, ठीक है। सामान्य प्रणाली में प्रत्याशी ये निर्वाचित हो जाएगा, 44% वोट मिला ना इसको। अब आप कहोगे ये तो भाई सबसे ज्यादा वोट पाया, निर्वाचित हो जाएगा, यद्यपि 62% निर्वाचकों ने उसे अपना मत नहीं दिया। 44% तो पाया, सबसे ज्यादा पाया, लेकिन जो है यहां 38% था, पता चले आप लोग मैथ में हमारे जैसे हूं, 38% पहले मिला था ए को, ठीक है, लेकिन यहां पर 62% लोगों ने इसे तो वोट नहीं दिया, ए को तो नहीं चुना। लेकिन अगर ये कॉमन हम इलेक्शन लेते तो वहां पर क्या होता, ये आपका निर्वाचित हो जाता, भैया सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, प्रधान तो वो हुआ। लेकिन यहां ये नहीं होता है, यहां पर क्या करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में ऐसी विसंगति नहीं होती है, वहां पर यह कमी नहीं है कि अन्य लोगों ने उसे वोट नहीं दिया तब भी उसके पास सबसे ज्यादा वोट है तो जीत जाएगा। इसमें विजयी उम्मीदवार को 50%+1 मत पाना कंपलसरी है, कितना, मिनिमम 50%+1, ठीक। ये चीजें क्या है, ये आवश्यक है मत प्राप्त करना, तब वो विजयी माना जाएगा। कि आपको 50% से ज्यादा लोग पसंद करते, या नहीं आप सबसे ज्यादा 38% पाके बस पटाखे और मिठाइयां बंटवाने लगे, हम इलेक्शन जीत गए, नहीं। यहां पर यह भी देखा जाता कि 62% लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, ठीक,
और आप देश के सबसे प्रधान हैं, जब आपको लोग इतने परसेंट लोग पसंद नहीं कर रहे तो आप सबके साथ कार्य कैसे करेंगे। ठीक, ये चीजें होती है। अगली चीज समझिए, कुल पड़े मतों की संख्या को 2 से विभाजित कर भागफल में 1 जोड़ने से प्राप्त संख्या ही न्यूनतम संख्या है। मतलब जितना वोट है उसको 2 से डिवाइड करते, 50% निकालते, उसमें 1 जोड़ देते हैं। यह न्यूनतम संख्या स्थानों की संख्या पर विचार करके तय की जाती है कि कितने स्थान है, और इसे ही कोटा कहते हैं। ठीक, पूछता है कि राष्ट्रपति के वोट जो है इलेक्शन में कोटा क्या है, कोटा कितना होता है, तो कोटा न्यूनतम जो होता है 50% धन 1, याद रखना न्यूनतम 50% वोट मिलने चाहिए, उसमें 1 वोट ज्यादा होना चाहिए, कंपलसरी है। ये कोटा निकालने का सूत्र होता है प्रेसिडेंट में। ठीक, अब तो नहीं पूछा है, अब लोक सेवा आयोग भी नहीं पूछता, पहले पूछता था। ठीक है, कोटा जो होता है प्रेसिडेंट में, जितने डाले गए मत हैं उनकी कुल संख्या निकाल लीजिए। ठीक, डाले गए मतों की कुल संख्या, इसको भाग कर दीजिए स्थानों की कुल संख्या से। ठीक, धन 1 इसमें जोड़कर, और बाद में इसमें 1 जोड़ दीजिए जितना यह डिवाइड करने पर आए। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या में स्थानों की संख्या में 1 जोड़कर डिवाइड कर दीजिए, और जितना बाकी बचे उसमें 1 आप कंपलसरी ऐड करिए बाद में। ये चीजें होती हैं अपने यहां कोटा के लिए नियम। आगे ऐसे कोटा तय करना इस पद्धति का पहला काम है। ठीक, इस प्रणाली में सभी मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी जो है पसंद का क्रम व्यक्त करना होता। मान लीजिए जैसे 4 व्यक्ति अगर खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है, 4 व्यक्ति अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक, मान लीजिए ए खड़ा हुआ, इसमें जो प्रेसिडेंट में चलता है, मान लीजिए ए व्यक्ति खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ, सी खड़ा हुआ, डी खड़ा हुआ, अब मैं वोट करने जाऊंगा। ठीक, प्रेसिडेंट के लिए मैं वोट करने जा रहा हूं, 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि अच्छा भैया ये तो हमारे कहीं से रिश्तेदार लग रहे हैं बी वाले। ठीक है, क्योंकि क्या भैया रिश्तेदारी नातेदारी क्या आप कहते हैं, भैंसा भैंसा घस व्यवहार न ठीक लेकिन डोरा घस नात अच्छा। ठीक है, ये कहावत है हमारे इधर। ठीक, कि व्यवहार आपका बहुत बड़ा है, दोस्ती आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ मित्रता है, लेकिन जो बात उसमें है और जो एक आपका दूर का कहीं का रिश्तेदार हो गया, जो बात उसमें निकलेगी वो आपके भैंसा जैसे व्यवहार में नहीं निकलेगी। यहां पर समझिए, जैसे हमने देखा कि बी को हम पसंद कर रहे, तो बी को हम पहला वोट जो है पहली प्रेफरेंस देंगे। अब आप हमें चारों को वोट देना, ऐसे नहीं कि हमने यहां बटन दबाई और चल दिए कि प्रधान जिता दिए तुमको लड्डू खिलाओ, ठीक है आशीर्वाद है। यहां पर क्या करना है, चारों को हमें देखना है। बी को भी हम क्या करेंगे, मान लो इसको बहुत नहीं पसंद कर रहे ए को, सी को पसंद कर रहे इसको दूसरी वरीयता देंगे, अब ए को पसंद कर रहे इसको तीसरी, डी को चौथी, 1, 2, 3, 4 आपको वरीयता देनी पड़ती है। ये प्रेसिडेंट में आपका तरीका होता है वोट डालने का, समझे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये तरीका होता है, ऐसे वोट डालते हैं। आगे समझिए इसमें अगली चीज, यहां पर जो आपको समझनी है, ठीक, मतों की गिनती में क्या होता है, सबसे पहले जब इसमें मान लीजिए ये तो हो गया, सारे लोगों को आपने वोट दे करके सारा मामला फाइनल कर दिया कि भैया तुम्ही को देकर आए, अब यहां जब वोट की गिनती होती है तो वोटों की गिनती में पहले प्रथम पसंद चुना जाएगा, सभी का देखा जाएगा कि सभी लोगों ने पहली प्रायर जो है प्राथमिकता किसको दी, तो पहले जो है पहली पसंद सबकी गिनती होगी। इसमें मान लो कोई निर्धारित उम्मीदवार कोटे से जो है निर्धारित कोटे के बराबर मत प्राप्त कर लिया, ठीक, निर्धारित कोटा मतलब कि 50% मिनिमम अगर कंपलसरी किसी ने वोट प्राप्त कर लिया 50% धन 1, तो उसको विजयी घोषित कर देंगे पहली पसंद के रूप में। अगर 50% से ज्यादा व्यक्तियों ने उसे वोट दिया है तो वह विजयी हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति चारों में से कोई पहली पसंद पर 50% से नहीं पा रहा, तब क्या करते हैं, तब प्रथम दौर की मतगणना के बाद किसी उम्मीदवार के विजयी ना होने की स्थिति में, मतलब पहले वोट की वरीयता में अगर कोई व्यक्ति 50%+1 का कोटा नहीं पा रहा, तो उस दौरान क्या करेंगे, पसंद में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मतगणना से अलग कर देंगे। मान लो भैया कि जो डी व्यक्ति थे, जैसे यहां पर मैंने बताया कि इसमें जो प्रेफरेंस दिया गया, तो मान लो डी व्यक्ति को, जो डी वाला है चौथा, इसको सबने जितने भी व्यक्तियों ने वोट डाला डी को सभी ने चौथे वरीयता पर कर दिया, तो डी को बाहर कर दिया जाएगा, अब एबीसी को फिर से उठाया जाएगा, और एबीसी को जैसे वोट मिले हैं फिर से इनकी मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। ये प्रेसिडेंट में चलता है रूल, समझे, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन का रूल है। इसमें क्या होगा, अब जब पहला मतदाता आपका अलग हो जाएगा,
फिर मिले हुए मतपत्रों की द्वितीय पसंद जो है जिन जिन उम्मीदवारों को जितनी संख्या में अंकित की गई उस मत की उसकी प्रथम उतने ही प्रथम जो है पसंद की संख्या में जोड़ दिए जाते हैं। अब सेकेंड स्टेज की जब आपकी मतगणना प्रारंभ होगी तो जितने उम्मीदवार हैं उसको जिन लोगों को सेकेंड नंबर की वरीयता मिली है उन सेकेंड नंबर को फर्स्ट वाले में ऐड कर लेंगे। फिर इस प्रकार संक्रमण मत पद्धति किसी एक उम्मीदवार के न्यूनतम संख्या को प्राप्त कर लेने तक चलती रहती है। ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो दूसरे में नहीं हुआ तो दूसरे वाले में देखेंगे, फिर सबसे कम किसको मिला उसको अलग करो, फिर तीसरे नंबर की चालू होगी। इस तरीके से आपका चलता रहता है। अब आप एक बात यहां और समझ लीजिए, आपसे पूछता है कि कौन किसको त्यागपत्र देता और कौन किसको शपथ दिलाता है। एक क्वेश्चन यहां से पहले बन जाए क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद हमें शपथ दिलानी पड़ेगी, तो इसको समझ लीजिए। अपने यहां जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसको शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, CJI जिसको आप बोलते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता। यह अपना इस्तीफा किसको देगा? यह राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा सौंप देता है। तीसरी बात ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन बहुत आते हैं, राज्यपाल किसी राज्य का है, इसको शपथ कौन दिलाता? इसको उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट का CJI होगा वह शपथ दिलाएगा। यह अपना इस्तीफा किसको देता? यह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा डायरेक्ट सौंपता है। चौथी बात, अगर मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलानी तो कौन दिलाएगा? इसको प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक। प्रेसिडेंट को आपका कौन दिलवाता? प्रेसिडेंट को CJI हो, CJI को प्रेसिडेंट दिलवाता। यह अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को सौंपता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति दिलवाता। यह अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन दिलवाता? ये शपथ नहीं लेता, याद रखना हमेशा। लोकसभा अध्यक्ष पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता, वो भी सामान्य सांसदों जैसी ही शपथ लेता है, याद रखना, ठीक। इसको इस्तीफा देना है तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तो आपकी हो गई, कौन किसको जो है शपथ दिलाएगा, कौन किसको इस्तीफा सौंपेगा। अब समझिए उस चीज को, आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो इलेक्शन की आपकी मैनर चल रही थी, संविधान का अनुच्छेद 55, ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55, इसको समझिए। आर्टिकल 55 कहता है कि प्रत्येक संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य के मत को एक मूल्य दिया जाता। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अड़चन हो गई भैया, विधायक तो हम अपने राज्य से इतने कम चुने, हर एक राज्यों में इतने विधायक और हर एक जगह से इतने सांसद हैं, क्या सांसद और विधायक की संख्या बराबर है? नहीं है। तो सांसद और विधायक का मत मूल्य एक कैसे हो गया? ये दिक्कत आती है, ठीक। जाहिर सी बात, आप सोचो कि विधायक पूरे राज्यों में एक नहीं है, सबकी संख्या अलग अलग है, सारे भी राज्यों के विधायकों को जोड़ दो तो संख्या बल बढ़ जाएगा, सांसदों को जोड़ लीजिए संख्या बल घट जाएगा। अब सांसद और विधायक की संख्या बराबर नहीं तो सभी का मतमूल्य एक कैसे हो गया, यह समझो। इसी मामले को यहां क्या कहते हैं, यहां कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है और जो आपका एक संसद का सदस्य है, इन दोनों का मतमूल्य एक होगा, जो राष्ट्रपति के पद के परिसंघीय चरित्र को दर्शाता है, ठीक है। राज्य की विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है जो मैंने बताया कि इनको भैया जब इतने ज्यादा लोग होते हैं और आपके सांसद कम ही होते हैं तो इन दोनों के आखिर मत को कैसे बराबर करते हैं। ये ऐसे होता है कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, कुल संख्या है, ठीक है, और इसको भाग कर देते हैं राज्य की कुल जनसंख्या से जितनी राज्य की, और इंटू में कर सकते हैं 1/1000, इससे एक मत का मूल्य निकल आता है, ठीक है। एक मत का मूल्य अगर हमें विधायक जी का निकालना है तो उसमें जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में क्या करते हैं, राज्य की जनसंख्या से भाग दे देंगे और उसके बाद उसमें 1/1000 से गुणा करवा देते हैं, इससे निकल जाती है वैल्यू विधायक जी के एक वोट की। अगली चीज समझो, अगर सांसद का हमें मत का मूल्य निकालना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें करते हैं कि अपने यहां जो संसद है संसद के, ठीक, एक मत का हमें मूल्य निकालना है। यह थोड़ा सा पलट गया है लेकिन मैं जैसा बता रहा हूं उसमें समझिए, अगर सांसद जी का एक वोट की वैल्यू हमें निकालनी है,
ठीक है। तो सांसद जी के एक वोट की वैल्यू निकालने के लिए सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, या ऐसा आप समझिए कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का जो मूल्य होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, इसको राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य से विभाजित कर देते, यही निकल आता। इसको क्या करते हैं, जो संसद के दोनों सदन है, समझिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, जितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनकी कुल संख्या को ठीक किससे भाग कर देते हैं, इसमें राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मत से डिवाइड कर देते हैं, जो विधायक जी का मत मूल्य निकला है उससे उठा के विभाजित कर देते हैं, तो इससे निकल आता है। इस तरीके से बराबर किया जाता है सांसद के वोट की वैल्यू किससे, विधायक के वोट की वैल्यू से, ठीक है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य अलग अलग होता है। इस पद्धति से राज्यों के बीच एक रूपता एवं संघ और राज्यों के बीच समानता आ जाती। क्यों लाते, क्योंकि हमें राज्यों के बीच एक रूपता लानी होती है। अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, इसीलिए मैंने वहां पर वो टॉपिक आपको बताया था, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसमें लिखा है, सबसे पहले ये अनुच्छेद 60 में लिखा है, क्या लिखा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थित में, ये जरूर जानना, उसकी अनुपस्थित में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा, ठीक, अनुच्छेद 60 में ऐसा कहता। दूसरी बात ये समझिए, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक। तीसरी बात, यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन गया तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना इस्तीफा या अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। मान लीजिए कोई मंत्री साहब हैं उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में और ये प्रेसिडेंट बन गए, तो जिस दिन से ये प्रेसिडेंट बनेंगे उसी दिन से इनका पद रिक्त मान लिया जाता कि वो भैया सीट खाली हो गई, उसके लिए उपचुनाव होना है। अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते क्या होते हैं, प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है और अलाउंसेस क्या होते हैं, भत्ते क्या क्या मिलते हैं, ठीक। वर्तमान में राष्ट्रपति को उपलब्ध वेतन और भत्ते क्या है, 5 लाख रुपए प्रतिमाह है, जो कि आयकर से पूरी तरीके से मुक्त है, आपको आयकर नहीं देना है, ठीक है। दूसरी बात, सारी चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त हैं, पूर्णतया सुसज्जित मुफ्त आवास आपको मिलता है, सुसज्जित मतलब सब कुछ, निःशुल्क उपचार पूर्ण जीवन तक, जब तक आप लाइफ टाइम तक आपको निःशुल्क उपचार मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सरकार की ओर से एक पूर्णतया बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज S600, जिसको जो है W221 या पुलमैन गार्ड कार के नाम से हम लोग जानते हैं, पुलमैन गार्ड के नाम से जानते हैं, BMW सीरीज की यह बुलेट प्रूफ कार है, यह प्रेसिडेंट को सरकार की ओर से मिलती है, समझ गए, ये सारी चीजें राष्ट्रपति को इस समय प्राप्त होती है। अगली चीज, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, कितने साल तक प्रेसिडेंट, तो इसमें भैया अनुच्छेद 56 अपना बोलता है, ठीक है, हर एक अनुच्छेद को बहुत ढंग से पढ़ना। अनुच्छेद 56 कहता कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, वह चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ये याद रखना, चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि उसको 2 ही बार होना। संविधान में पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी सीमा उल्लेखित नहीं है, जब भारतीय संविधान में नहीं लिखा तब क्या होगा, वो आपका अलाउ ही नहीं होगा। अमेरिका में वही देखे, राष्ट्रपति एक बार पुनर्निर्वाचित हो सकता, मतलब एक बार हम बने एक बार फिर हो सकते, यानी 2 बार केवल बन सकते, ठीक। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, शेष सभी राष्ट्रपति 1 ही अवधि तक रहे। केवल आपके कौन से ऐसे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 अवधि के लिए चुने गए 10 साल के लिए। अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष की अवधि से भी पूर्व समाप्त हो सकता है, राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले समाप्त हो सकता है, कैसे समझो, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित लिखित त्यागपत्र अगर दे दे कि अब हम प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, राष्ट्रपति को अनुच्छेद में उपबंधित रीत से महाभियोग, ठीक, जो कि किसमें, अनुच्छेद 61 में आपका लिखा हुआ है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया जो लिखी है, इस महाभियोग की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक।
अगली चीज, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तो राष्ट्रपति की अवधि की समाप्ति के बाद भी, ये याद रखना ठीक, तब तक राष्ट्रपति उस पद को धारित करेगा जब तक उसका जो है उत्तराधिकारी पद की शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट जो है उस पद पर बना रहेगा, पोस्ट पर बना रहेगा। समझ गए, ये चीजें कंपलसरी होती हैं। ये पूछा भी है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उस राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तो उस दशा में क्या होगा, अब चार विकल्प वही बनाकर दे देगा। तो हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ठीक है अपनी उस पोस्ट को ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक, भले ही उसके 5 साल पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इंपीचमेंट कैसे लगती है, बहुत ढंग से समझना, बहुत बार आया है ठीक है। सबसे पहला तो यह पूछता है कि किस अनुच्छेद में लिखा, अनुच्छेद 61 में लिखा है ठीक। आर्टिकल 61 डील करता है इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, कैसे महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए अनुच्छेद 61 में ही एक ही आधार निर्दिष्ट है, केवल एक आधार से हम चला सकते हैं, वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण। पूछा है कि राष्ट्रपति के ऊपर किस आधार पर इंपीचमेंट यानी महाअभियोग चलाया जाता है, तो वह है संविधान का अतिक्रमण। कैसे, समझिए, अमेरिका के संविधान के अधीन अगर महाअभियोग चलाना है राष्ट्रपति पर तो कैसे कैसे, उसको राजद्रोह के लिए कर सकते हो, रिश्वत लेने के लिए कर सकते हो, या अन्य गंभीर अपराधों के लिए चलाया जा सकता। अभी आपने ट्रंप पर देखा होगा महाअभियोग चला था लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ था। अमेरिका में राजद्रोह के लिए भी प्रेसिडेंट पर चलेगा, रिश्वत मामले के लिए भी प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलेगा, और कोई अन्य गंभीर अपराध लगे हैं तो भी उसके लिए चलाया जा सकता। अपने यहां केवल एक आधार कि अगर उसने संविधान का अतिक्रमण कर दिया तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई, संविधान की अवहेलना का आरोप लगाकर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जाता। प्रस्ताव किस में जाएगा, पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है, तो उसमें दे देगा ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी लोकसभा या राज्यसभा किसी में, डी बोल देगा इनमें से किसी में नहीं। यहां पर क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में भैया वो प्रस्ताव लेकर हम जा सकते हैं। अगली चीज समझो, आरोप एक नोटिस के रूप में होता है, जो आरोप लगाया गया प्रेसिडेंट पर वह एक नोटिस के फॉर्म में होगा जिस पर सदन की कुल संख्या का कम से कम कितना 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जब आप आरोप लगाते हो तब कितने का, 1/4 का, याद रखना। अगली चीज समझो, यह पूछा है, यह नोटिस राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाता और उसके 14 दिन बाद उस पर विचार किया जाता, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको ही सूचना देनी पड़ती है, ये याद रखना। अगली चीज समझो, जब सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाता तो सारे सदन द्वारा उसका अन्वेषण किया जाता, इन्वेस्टिगेशन होता है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, किससे, 2/3, और जब आपको प्रस्ताव लाना है तो वहां 1/4, याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोनों में ठीक। पास कितने से होना चाहिए, 2/3 से। अगली चीज समझो, पारित हो जाने के बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता जो आरोपों की जांच करता। इस प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर अपने बचाव में स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है, ठीक है। ये जो अन्वेषण है, पूछता है क्या संसद राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग की अन्वेषण किसी अन्य से भी करवा सकती है, तो याद रखना राष्ट्रपति ये सदन जो है इस अन्वेषण का काम किसी न्यायालय को दे सकती, किसी ट्रिब्यूनल को सौंप सकती, अधिकरण को सौंप सकती, ठीक। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, दूसरे के लिए भी कंपलसरी क्या है, 2/3 यहां पर भी होना चाहिए, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर अपदस्थ कर दिया जाता है, ठीक, ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग के विचारण का अधिकार सीनेट को है, कांग्रेस को नहीं है, ठीक। विचारण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, वहां पर सीजीआई करता है यूएस में, अपने यहां संसद करती है, दोनों में अंतर हो गया। उसे हटाए जाने का संकल्प विचारण में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, वहां 2/3 वहां भी कंपलसरी, लेकिन वहां सीजीआई देखता, ठीक, जो चीफ जस्टिस ऑफ जो है अमेरिका होता है वो देखता है, अपने यहां वो नहीं है, अपने यहां सीजीआई के लिए कंपलसरी नहीं है, सदन चाहे तो कर सकती है, ठीक।
अब राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में विवाद अगर मान लो कोई आ गया, निर्वाचन गलत ढंग से हुआ, कोई चीजें छुपाई गई, तो वहां पर क्या डील होता है? वहां पर डील करता आर्टिकल 71 कहता कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जांच और विनिश्चय केवल उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन? उच्चतम न्यायालय। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दे, नन जीरो घोषित कर दे, इसको जीरो घोषित कर दे, तब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद और शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा लिए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। ये याद रखना। ये नहीं कि राष्ट्रपति ने जो है कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट चुन लिया गया, निर्वाचन हो गया, उसने कार्य कर डाले, अब मान लो उसका निर्वाचन किसी तरीके से शून्य घोषित कर दिया न्यायालय ने, तो ये नहीं कि उसने जितना काम कराया सब काम चौपट, ना, वो काम वो सब कुछ उसके मान्य होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये व्यक्ति अब राष्ट्रपति है कि नहीं, लेकिन वो कार्य उसके मान्य होते हैं, ये चीज याद रखना। पूछा है ये, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक गण में रिक्तियां हैं कि निर्वाचक जो आपका इलेक्ट्रॉल कॉलेज बना, इलेक्ट्रॉल आपका निर्वाचक मंडल बना, मान लो उसकी सारी सीटें भरी नहीं है, ठीक, तो उस दौरान ऐसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यह नहीं कि आप न्यायालय में पहुंच जाओ कि जब सारी सीटें नहीं भरी थी कैसे राष्ट्रपति निर्वाचन, ना, उसके लिए यह कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि कुछ विधानसभाओं का विघटन हो गया और उनके लिए निर्वाचन होना है। अनुच्छेद 62 यह निर्दिष्ट करता है कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही हो जाना चाहिए, यह कंपलसरी है, हमेशा याद रखिएगा। समझ गए? राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों के बारे में, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे आपका इससे अगले पॉइंट में, ठीक, जस्ट यानी कल आपकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस होगा। तो अभी हमें 3-4 लेक्चर्स तक जो कुछ है, हो सकता है ये ज्यादा भी हो जाए क्योंकि बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ सारी चीजों को, ठीक। आप वन लाइनर पढ़ लेते, अब वन लाइनर का जमाना नहीं है, अब आपको हर एक पॉइंट पर बहुत विधिवत आने चाहिए, ठीक, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का सभी का तरीका है भैया, हर संस्थाओं का क्वेश्चन के स्तर अब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रतियोगी जो आपसे बाद वाले अब बच्चे आ रहे हैं वो आपसे एडवांस होते हैं, ठीक, और प्रतियोग चूंकि जो है संख्या बल कम होती है, सीटें कम होती है और अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास प्रश्नों में होता है। इसलिए आपसे, ठीक, ये मेरा सुझाव है कि जो कुछ पढ़ो बहुत ढंग से पढ़ो, बहुत विधिवत पढ़ो। बाकी परीक्षा प्लस टीम आपके लिए हमेशा एक से एक बेहतर चीजें लाती रहेंगी, हर एक चीज जो हम करेंगे वो पूरे बेहतर ढंग से करेंगे, हमें अगर नहीं करना है तो वो हम बिल्कुल नहीं चलाते, ठीक, कि हमें जबरदस्ती कोई क्लास चला देनी है, हम जिसमें सबसे बेस्ट देते हैं वो चीजें आपको देते हैं, ठीक, जिससे कि आप हमें समय देते हैं तो आपको भी ये लगे कि हमने समय दिया तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिला, ठीक। बाकी चीजों पर फिर मिलते हैं, तब तक मस्त होकर पढ़िए, ठीक, जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट में जरूर बता के जाएं। धन्यवाद।